नमस्कार बच्चों, 6 तरीक थोड़ा किस चीज़ का एग्जाम है? पंजाबी का। किस चीज़ का है? पंजाबी का ऑनलाइन टेस्ट सैकेंड। ऑनलाइन टेस्ट सैकेंड। हुण मैं तुहानू पहला सब तो इस टेस्ट का यानी कि इस पेपर का सिलेबस लिखन लगी हाँ। ऑनलाइन टेस्ट सैकेंड का सिलेबस पंजाबी का। देखो सिलेबस की है, पहला तो है अधूरी, हिंदी च लिखांगे जिहड़ा कि सबनों समझ आ जाए। अधूरी वर्णमाला पूरी करनी, अधूरी वर्णमाला पूरी करनी। उस तो बाद है गुरुओं के नाम, गुरुओं के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, पुस्तक पेज 21 से 38 तक, 21 से 38 तक। ये तो था आपका ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस जो कि 6 को होने जा रहा है, यानी कि 6 डेट को 12th मंथ में। देखो क्या है, अधूरी वर्णमाला पूरी करनी। पहले आई थी वर्णमाला पूरी करो, ठीक है, वर्णमाला लिखो। अब है अधूरी, अधूरी वर्णमाला दी होगी उसको आपने पूरा करना है। फिर है गुरुओं के नाम, जो मैंने करवाए थे 10 गुरुओं के नाम। पंजाबी में कितने गुरु हैं? 10। तो गुरुओं के नाम है, सब्जियों के नाम, ठीक है, और पुस्तक पेज जो आपकी बुक में दे रखे हैं, पंजाबी की बुक में दे रखे हैं, पुस्तक पेज 21 से 38 तक। यह तो था आपका सिलेबस, जो टेस्ट होना है उसका सिलेबस। अब देखो, जैसे एक बार मैं आपको बता रही, जैसे ये है वर्णमाला, मान लो आपको आया है अधूरी वर्णमाला, वर्णमाला लिखो अधूरी वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है। इनका पंजाबी में लिखन लगे हाँ, ऐसी हिंदी में लिखे मैं समझने वास्ते, अधूरी वर्णमाला। देखो जिवें तुहानू ये वर्णमाला दिया 17 पूछी आएगी, वर्णमाला 17 में। देखो जिवें मैं है लिख रही हूँ ऊड़ा आड़ा, ऊड़ा आड़ा लिखा है। एस तो अगे की है डैश, एस तो अगे की है डैश, एस तो अगे तुहाडे नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे है, ऑप्शन विचों तुसी लिखना है कि ऊड़ा आड़े तो बाद की आता है ईड़ी। देखो जिवें हम ऑप्शन दिती है मैं ससा हा हा ईड़ी कक्का, एक ही है तुहाडे ऑप्शन दे रखे हैं पेपर दे विच। तुसी किवें करोगे ऊड़ा आड़ा, ए देखोगे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखोगे तो आंसर की बनता है ईड़ी, ईड़ी फिर की है ससा, ठीक है। ऐसे तरह ही इसनों पूरा करना है, ठीक है। मान लो पै वाली लाइन आ गई प फ, उस अगे की आऊगा ऑप्शन दे रखे होंगे, उनके विचों तुसी लाइन पूरी करोगे, ठीक है। ऐसे तरह ही ये तो होगी तुहाडी अधूरी वर्णमाला पूरी किस तरह करनी है, इस तरह करनी है। फिर आ गए गुरुओं के नाम, गुरुओं के नाम, सिखा दे गुरुआ दे नाम। मान लो पूछ लिया थोड़े को सिखा दे पहले गुरु दा की नाम सी, सिखा दे पहले गुरु दा की नाम सी, तुहानू ऑप्शन दे रखे है श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास, गुरु रामदास जी, और भी है दो आने, चार ऑप्शन दिते होंगे है, यानी कि तो तुसी इन्हें केड़ा चूज करके लिखना है,
सिखा दे पहले गुरु केड़े सी गुरु नानक देव जी एदे विच तुसी गुरु नानक देव जी दा टिक भर देना ऑप्शन भर देना ये हो गया थोड़ा प्रश्न उत्तर भी बन के आ सकता है फीडिंग दा ब्लैंक्स भी बन के आ सकता है ये तुहाडी सोचण समझ दी शक्ति ते निर्भर करता है कि तुसी इस नूं किस तरह करोगे आंसर भी दे रखे है प्रश्न भी दे रखे है और तुसी तुहाडे ते निर्भर करता है कि तुसी किस तरह करोगे दूसरा इस तरह ही मान लो एक प्रश्न होर आ जाता है सिखां दे दसवें गुरु दा नाम लिखो ऑप्शन दे रखे ऑप्शन तुसी जिवें मान लो सिखां दसवें गुरु केड़े सी गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी सिंह जी ये मानसर लिख लगे वैसे ऑप्शन तुसी सैट करने हैं है ना फिर आ गया सिखां दे नौवें गुरु पहले गुरु पूछे गए दसवें गुरु पूछे गए नौवें गुरु पूछे गए नौवें गुरु कौन सन नौवें गुरु सन गुरु तेग बहादुर जी गुरु तेग बहादुर जी दसवें गुरु का की नाम सी गुरु तेग बहादुर सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह जी ठीक है ऐसे तो ही प्रश्न उत्तर बन जा सकते हैं हुण ये तो असी तुहाडे गुरुआं दे नाम वर्णमाला बारे दसता गुरुआं दे नाम बारे दसता हुण देखो सब्जियां दे नाम हुण की है सब्जियां दे नाम किवें आणगे देखो दे रखे है जिवें मैं तुहानूं पुछया है निम्न हेठ लिखे शब्दां विचों सब्जियां दे नाम लिखो सब्जियां दे नाम लब के लिखो देखो सब्जियां दे नाम की दे रखे हैं अनार सेब केला तोरी की है तोरी तो इन्हां विचों तुसी पढ़ोगे तो तुहानूं लगेगा कि ये सारे है फलां दे नाम की है फलां दे नाम अनार भी फल है सेब भी फल है केला भी फल है तो इहदे विच सब्जी की है सब्जी का नाम केड़ा है तोरी सब्जी का नाम की है तोरी तो तुहाडा आंसर की बन जाएगा सब्जी के नाम विच तोरी ठीक है इसे तरह ही तोरी लिखा जाऊंगा ये सब्जियां नाम चूज करने आएंगे किवें करने फलों में सब्जियां के नाम चूज करने हम देखो पुस्तक पेज 21 तो 38 पुस्तक पेज की ने है 21 तो 38 हम इस की है इस सिहारे की मात्रा भी आती है बिहारी की मात्रा भी आती है होर भी मात्रा आदि ने तो मान लो हम तुम्हें आ गया सिहारी की मात्रा लगा के सिहारी दी मात्रा लगा के अक्षर पूरा करो किवें करोगे अक्षर पूरा तुसी सिहारी दी मात्रा लगा के अक्षर पूरा करो अक्षर लिखा है सर करण हरण ठीक है सार करण हर ठीक है तुसी सिहारी की मात्रा किवें लगाओगे सर नूं किवें करोगे सै नूं सिहारी सिर कै नूं सिहारी रै किरण हरण है नूं सिहारी किरण ठीक है ये सारे शब्द हैगे तुहाडे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭੋਗੇ
तो उसको पूरा करोगे बिहारी की मात्रा वाले। ठीक है, ये थोड़ी एक तरह की रिविजन वीडियो। इस वीडियो में पेपर देने तो पहला एक बार जरूर देख लिया जी कि थोड़ी ये रिविजन वीडियो है, तुहानू पेपर करन विच आसानी होएगी। जे तुसी वीडियो देखोगे तो तुहानू पेपर करन विच भी बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।